अल्मोड़ा में बीजेपी का लोकसभा मंडल अध्यक्ष और गृह महामंत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकसभा क्षेत्र से मंत्री विधायक समेत मंडल अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए। सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार 3 चरणों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और महामंत्री को मोदी सरकार के कार्यों को घर घर पहुंचाने पर चर्चा हुई है और आज के सम्मेलन में विधायक और मंत्रियों के दूरस्थ क्षेत्रों में दौरे तय किए जाएंगे। बैठक में कमजोर पोलिंग बूथ पर काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कमजोर बूथों पर 50% से अधिक वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा गया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, सभी लोकसभा स्तर पर आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 3 चरणों में बैठकें हैं। पहला चरण हमारे विधायक सांसद बैठना हुआ है, क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियाँ और क्षेत्र में ऐसे समाज के समस्याएं जिनका समाधान तत्काल हो सकता है, प्राथमिकता आधार हो सकता है, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है। अभी हमारा पार्टी की सबसे छोटी इकाई है मंडल, उसके महामंत्री से ऊपर के कार्यकर्ताओं की पूरी लोकसभा की बैठक है। जैसा कि हमारे आज अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और हमारे प्रभारी और सभी विधायकों के संबंधित आज की ये बैठक की गई है लोकसभा की, और इसमें हमारे संगठन के 5 जिलों के, यानी कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, संगठन की दृष्टि से हमारा रानीखेत जिला भी हमने बनाया है, तो इसलिए 5 जिलों के कार्यकर्ताओं का आज का एक दिन का एक कार्यक्रम है। और अभी हमारे विधायकों की बैठक हुई है, अभी हमारी अगली बैठक शुरू होगी और ये सारी बैठकें वही हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर तय हुई हैं।